Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 3, subject English class 10th. ये आपको 13 जुलाई को करनी है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को. Hi Milu, what's up? What are you doing? ये देखो, ये गर्ल है, इसका नाम पिंकी है और ये बिल्लू है. तो ये बिल्लू से बात कर रही है कि क्या हाल है और क्या कर रहे हो. पिंकी, तो बिल्लू उसका रिप्लाई देता है, आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. मैं उठने के ऊपर एक कहानी लिख रहा हूँ. यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कंक्वर हिज फियर इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू ब्लिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई अवे गा 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 ही क्राइड. उसने कहा, बिल्लू ने कहा, ये कहानी जो है उड़ने के ऊपर है. उसमें एक यंग सीगल है, एक बच्चा सीगल है, वो उड़ने से डरता है. उसने कैसे अपने इस फियर को जीता जबकि उसके जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जिनके विंग्स उससे छोटे हैं, क्योंकि उससे छोटे हैं, देन इज उसके विंग्स से छोटे हैं, लेकिन वो हवा में फड़फड़ाकर उड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है और वो गा 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 चिल्लाते हैं. अब पिंकी क्या कहती है, वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या लिख रहे हो. व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स. मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो. क्यों? क्योंकि तुमने अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया है. इसमें देखो पंक्चुएशन मार्क्स नहीं था ना, तो उसने क्या कहा, पंक्चुएशन मार्क्स, व्हाट आर दे, ये क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, इसको किसको, बिल्लू को पता नहीं है. तो स्टूडेंट, जब हम लिखते हैं तो हम पंक्चुएशन मार्क्स हमें यूज़ करने होते हैं. जैसे आपको पता है कि नया सेंटेंस शुरू होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, सेंटेंस कंप्लीट सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाते हैं. लेकिन हमारे बिल्लू भाई साहब को तो पता ही नहीं है. द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज टू सो पोजेस एंड टू सेपरेट वर्ड्स फ्रेजेस क्लोजेज एंड सेंटेंसेज. तो उसने, पिंकी ने कैसे एक्सप्लेन किया कि जब रिटन लैंग्वेज होती है उसमें पोज को दिखाने के लिए, रुकने के लिए, वर्ड को सेपरेट करने के लिए, फ्रेज को, क्लोज को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ चिन्ह यूज़ करते हैं अपने मीनिंग को समझाने के लिए. हिंदी को हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन. प्लीज़ सी द रेफरेंस चार्ट. तो फिर वो रेफरेंस चार्ट दिखाती है. ये देखिए, ये पंक्चुएशन मार्क्स का रेफरेंस चार्ट है. आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम भी तो रिटर्न होते हैं ना, तो आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे तभी तो नंबर अच्छे मिलेंगे ना. तो इसमें फर्स्ट देखिए, द पीरियड ऑफ फुल स्टॉप, जिसको हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, ये पीरियड का साइन है. ये पीरियड अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में लास्ट जो वर्ड होता है उसके लास्ट लेटर के बाद हम क्या लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं. कोमा, कोमा कब लगाते हैं, ए कोमा सेपरेट्स ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और फ्रेजेस. जब आप दो तीन एडजेक्टिव यूज़ करते हो, नाउन यूज़ करते हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं. लास्ट वाले में एंड से हम जोड़ते हैं. ओके, एक्सप्लेनेशन पॉइंट, इसको हम एक्सप्लेनेशन साइन बोलते हैं. एंड एक्सप्लेनेशन पॉइंट रिप्लेसेस ए पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक एक्साइटमेंट, एंगर और सरप्राइज. जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सक्लेम करते हैं, आश्चर्य से बताते हैं कि कितना लंबा सांप है, व्हाट ए लॉन्ग स्नेक इट इज, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा. हैरानी को दिखाने के लिए, आश्चर्य को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क. ये तो आप सबको ही पता होगा क्वेश्चन मार्क क्या होता है. क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है ना, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोटेशन है. कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क जब हम किसी की बात को एज इट इज़ कहेंगे तो हम यूज़ करते हैं कोटेशन. कोट से ही बना है कोटेशन, कथन को कहने के लिए. कोटेशन मार्क्स आर यूज फॉर एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशन ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेट बाय कैरेक्टर्स इन फिक्शन. जैसे द टीचर सेट, द टीचर सेट के बाद कोमा लगेगा, फिर हमारे कोटेशन मार्क्स लगेंगे. यू आर एन ऑनेस्ट गर्ल, फिर हमारे कोटिंग मार्क्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे. पता है ना, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किए होंगे. क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन. जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ये वाला मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क.
Here is semicolon. A semicolon separates sentences that are closely related but grammatical independent. Independent sentences को अलग करने के लिए, separate करने के लिए हम use करते हैं semicolon. फिर colon. Colon कब use करते हैं? A colon can introduce a list or a single item. जब हम list बनाते हैं तो double dot लगाते हैं जिसको हम colon marks कहते हैं. तो हम उसमें colon use करते हैं. Apostrophe. Apostrophe yes तो आप सबने सुना होगा. And apostrophe indicates possession and the exclusion of letters in contraction. जब abbreviated form में लिखते हैं तो भी हम क्या use करते हैं, जैसे didn't, did ऐसे हम लिखते हैं ना, didn't, n के बाद ये लिखते हैं apostrophe. और किसके लिए use करते हैं हम, possession, अपनी चीज़ दिखाने के लिए, जैसे Ram's pen, तो Ram के बाद apostrophe s और फिर pen. तो आपके punctuation marks समझ में आ गए होंगे. आगे देखिए, अब जो बिल्लू की टेक्स्ट थी वो सही टेक्स्ट क्या हो जाएगी पंचुएशन लगाने के बाद, ये देखिए ये बिल्कुल सही टेक्स्ट है. लेट्स इंसर्ट द मार्क्स ऑफ पंचुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लूज टेक्स्ट. देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ना, इसने कर रखा है ये देखिए. यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक यंग सीगल उड़ने से डरता था. हाउ डज ही कन्क्वर हिज फियर. अब देखो सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एच हमने कैपिटल किया और लास्ट में को कौन सा यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ किया. इवन वैन, फिर नया सेंटेंस शुरू हुआ, ई कैपिटल आना चाहिए था जो तो इसमें कर दिया है. इवन वैन इज ब्रदर एंड इज सिस्टर. अब देखो एक कोमा लगाया, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन. फिर कोमा रैन टू, ये फ्रेजेस जो ऐड कर रहे हैं कोमे के द्वारा कर रहे हैं, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई अवे. फिर ये देखिए कोटेड मार्क्स, उसने जैसे बोला सीगल ने, ही क्राइड गा गा गा, ये हमारे कोटेशन मार्क्स. तो इस तरह से हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने चाहिए अपने रिटन जब हम लैंग्वेज को लिखते हैं तब. अब ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज है जो हम करेंगे, बड़े मज़े आएंगे. करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन अबव. अब देखिए ये देखिए, मोरिस द मार्शियन वाज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए था ना, और मोरिस किसी का नाम होता है, उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है एम और एम कैपिटल, तो आपको पढ़ना है और फिर हमें इसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं. देखिए ऐसे करने हैं, ये देखिए हमें कैसे करने हैं, हमें ऐसे करने हैं. मोरिस द मार्शियन वाज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे व्हेन ही सा स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम. फुल स्टॉप लगाना है और मोरिस और मार्शियन का एम हमें कैपिटल करना है. तो ये आपका आंसर है, ये सोल्व कर रखा है, आपको ऐसे जो है पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. व्हाट इज दैट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें इंट्रोगेटिव के बाद कौन सा साइन लगाना, ये वाला हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है, डब्ल्यू कैपिटल यूज करना है. He thought to himself. Morris was scared. Scared के बाद हमें ये sentences दो change हो रहे हैं तो कोमा लगाना है. But he flew a little bit closer so that he could see it better. फिर हमें full stop लगाना है. He called out. जो जैसा sentence बोलते हैं हमें same to same लिखने के लिए quotation marks use करने हैं. ये quotation marks हैं. Hello, he called out. There was reply. तो reply के बाद हमें क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है. हेलो इज देयर, इज एनीवन देयर, हमें क्या लगाना है, ये कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन यूज करना है. ही कॉल्ड के बाद कोमा लगाना है. बट अगेन देयर वाज नो रिप्लाई. सडनली क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट. फिर हमें फुल स्टॉप लगाना है. बो, इट साउटेड. बो के बाद हमें कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है. वो चिल्लाया, पुअर मोरिस वाज रियली स्केयर्ड एंड ही फ्लू हो होम एंड हिट अंडर हिज बैक. फिर हमें फुल स्टॉप लगाना है. तो आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स जब आप लिखेंगे इस पैसेज को तो आपको ये लगाने हैं प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. तो आपको ये वीडियो आसान लगी होगी स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.